हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जैसलमेर समेत पश्चिमी सरहद के करीब आधा दर्जन जिलों में 9 वर्ष पहले अनुपयोगी समझकर बंद कर दी गई। प्रदेश के पश्चिमी सरहद की 24 CIDBI चौकियों के ताले अब एक बार फिर से खुलेंगे। वर्षों से बंद बॉर्डर इंटेलिजेंस चौकियों को फिर से शुरू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में अब सरहद पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने की उम्मीद जगने लगी है। आपको बता दें कि कुल 24 चौकियों को सीमा पर तारबंदी होने और तस्करी की गतिविधियों को रोकने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। उसके बाद से इन चौकियों के भवनों पर ताले लगे हुए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय 12 महीने से भी अधिक समय से बंद चौकियों को खुलवाने में जुटा हुआ था। इन चौकियों को खोलने के लिए 144 पदों की भी मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर पूर्व से बंद खुफिया चौकियों को फिर से शुरू करने के लिए शर्तें लागू भी की हैं। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।